औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम हम्द और सना उस खालिक़ आदम के नाम से है जिसने इस दुनिया का वजूद किया। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, खिरद को मायले परवास कर रहा हूँ, जुनून इश्क को हमराज कर रहा हूँ, इलाही मेरी अकीदत की आबरू रखना, तेरे ही नाम से आगाज कर रहा हूँ। यह हमारा सेकंड पार्ट का नेकलेस का थर्ड वीडियो है। ऑन संडे फिर इतवार के दिन एज शी वॉज वॉकिंग इन द चैम्स एलिसेस, एक दिन वो ऐसे सैर करते हुए एक गार्डन है चैम्स एलिसेस वहाँ से गुजर रही थी, जा रही थी, वॉकिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, वॉज वॉकिंग जा रही थी, वॉकिंग इन जा रही थी। सडनली शी सा मैडम फ्रेस्टियर्स, वो मैडम जिसके पास उधार लेकर रही थी नेकलेस उसको दिखाई दी, सिंपल पास्ट टेंस, सी का पास्ट टेंस सा, सी यानी देखना, ये पूरा लेसन है सिंपल पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, सा दिखी या फिर देखना दिखी, उसे दिखाई दी। शी सा मैडम लेसर स्टिल यंग, और वो कैसी थी, स्टिल यंग अभी तक के जवान थी, स्टिल ब्यूटीफुल अभी तक के खूबसूरत थी, एंड स्टिल चार्मिंग और अभी तक के दिलकश दिखाई दे रही थी, लेकिन ये उसकी बनिस्बत बहुत ही ज़्यादा अधेड़ और ज़ेब हो चुकी थी। मैडम लेसर फेल्ट इमोशनल, बहुत ही ज़्यादा जज्बाती हो गई, फेल्ट इमोशनल को जज्बाती होगी बहुत ज़्यादा, सिंपल फेल्ट इमोशनल जज्बाती हो जाना। शुड शी स्पीक टू हर, उसने खुद ही सवाल की क्या मैंने इससे बात करना चाहिए, यस ऑफ कोर्स, और खुद ही ना तो यहाँ बेशक, खुद ही ने सवाल किया, खुद ही ने उसका जवाब दिया, एंड ऑल दैट शी हैड पेड, और जो उसने उधार लेके उसने तो उसको वापस कर दिया, उससे बिल्कुल बात करना चाहिए। शी वुड टेल हर ऑल, उसको तमाम चीज़ें बता देनी चाहिए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये अपने आप से ही सवाल कर रही है, खुद ही सवाल कर रही है, खुद ही जवाब दे रही है। शी वेंट अप टू हर, वेंट अप चल कर जाना, वो उसके पास में चल कर गई, वेंट अप, गुड मॉर्निंग जेने, उसका निक नेम था जेने, उसने कहा गुड मॉर्निंग। द अदर एस्टोनिश्ड टू बी एड्रेस्ड सो फेमिलियरली बाय दिस कॉमन वुमेन, एक आम सी औरत उसको इस तरह से एड्रेस कर रही है फेमिलियर जैसा, क्योंकि उसका जो नाम था वो बहुत ही ज़्यादा उसके दोस्त ही जानते थे, तो ऐसे नाम से उसको मुखातिब करे उसको बड़ा ताज्जुब हुआ। Did not recognize her, उसको नहीं recognize कर सकी, उसको नहीं जान सकी, नहीं पहचान सकी, recognize करने यानी जानना। She stammered, stammered यानी बहुत ज़्यादा हक्का बक्का पे गड़बड़ा रह गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि ये ऐसे कैसे हो सकता, मैं इसको नहीं जानती और ये मेरा पुराना नाम ले रही है, वो भी ऐसा नाम जो बचपन में मेरे दोस्त और साथी लिया करते थे। No, I am Mitali, बट मैडम आई डोंट नो, लेकिन उसने कहा कि मैडम मैं तुमको नहीं जानती हूँ, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक, शायद तुमसे कुछ गलती हुई है, मैं आपको नहीं जानती हूँ। नो आई एम मेथल्डी लिसल, उसने कहा नहीं मैं मेथल्डी लिसल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, उसके दोस्त जैसे उसको देखा तो वो चीखी, ओह माई पुअर मेथल्डी, ओह मेरी प्यारी मेथल्डी, हाउ हैव यू चेंज, तुमने आपको कितना बदल लिया है, तुम ऐसे कैसे हो चुकी हो। यस आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स सिंस आई लास्ट सा यू, मैंने इससे पहले जब तुमको हार वापस किया था, जब से अब तक के जितना भी मेरे जिंदगी का 10 साल का जो अरसा गुजरा है वो मुझ पर बहुत ही ज़्यादा मुसीबत ज़दा, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला था। आई हैव हैड सम हार्ड टाइम्स, मुसीबत ज़दा टाइम गुजारे सिंस, तब से आई लास्ट सा यू, जब मैंने आखिरी मरतबा तुमको देखा था, एंड मैनी माइसरीज, और बहुत ज़्यादा मुसीबतों वाला वक्त था, एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और ये तमाम का तमाम तुम्हारी वजह से था, ऐसा उसने उससे कहा। मी हाउ कैन डेट बी, वो बड़ा ताज्जुब है उसको कि मेरी वजह से ऐसा कैसे हो सकता है। यू रिमेंबर डेट, कि तुमको याद है, डायमंड नेकलेस डेट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी, क्या तुमको याद है कि तुमने मुझे एक नेकलेस दिया था, लेंट किया था, उधार दिया था, आर्यतन दिया था पहनने के लिए टू द मिनिस्ट्री पार्टी के लिए, क्या तुमको हार याद है। यस वेल, हाँ बहुत अच्छे से याद है। वेल आई लॉस्ट इट, अच्छा तो फिर मैंने उसे खो दिया था, ऐसा उसने कहा। व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, यू ब्रॉट इट बैक, तो तुमने उसको खो दिया था फिर तो क्या तुमने उसको वापस लेकर आई। आई ब्रॉट यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक डैट,
मैंने लेकर आई वैसे ही बिल्कुल हूबहू वैसे ही जैसा तुम्हारा था वैसे ही मैंने दूसरा लेकर आई एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट और उसकी कीमत अदा करने के लिए हमें 10 साल लग गए। इट वॉजंट इजी फॉर अस, यह हमारे लिए आसान नहीं था। वी हैड वेरी लिटिल, हमारे पास में बहुत कम पैसे थे। हैव हैड रखना किसी भी चीज़ के मालिक होने के लिए इस्तेमाल किया था। वी हैड लिटिल, हमारे पास में बहुत कम पैसे थे। बट एट लास्ट इट इज ओवर, लेकिन आखिरकार वो तमाम खत्म हो चुका है। तमाम खत्म ओवर है ना, खत्म हो जाना। एंड आई एम वेरी ग्लेड, अब मेरा कर्ज उतर चुका है इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा मुतमइन हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैडम फॉरेस्टर वाज स्टंट, हक्का बक्का रह गई, बहुत ही ज़्यादा उसको ताज्जुब हुआ, परेशान हो गई। यू से डैड तुम ऐसा कहती हो, यानी तुम्हारा कहने का मतलब ये है यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन, तुमने जो मुझे हार ला के दी रिप्लेस करने के लिए, रिप्लेस के तौर के ऊपर, क्या वो डायमंड का नेकलेस है, वो हार तुमने लेकर आए? यस यू डिडंट नोटिस देन, हाँ डिड के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, सिंपल पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। यू डिडंट नोटिस देन, तो क्या तुमने उसके ऊपर नोटिस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, महसूस नहीं किया? दे वेयर वेरी सिमिलियर, वो बिल्कुल हो बहु वैसा का वैसा ही है, एग्जैक्टली और सिमिलियर वैसा का वैसा ही है। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, वो मुस्कुराई फकर के साथ में, मुस्कुराई विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर, और बड़ी मासूमियत के साथ में मुस्कुराई। मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड, मैडम फॉरेस्टर डीपली मूव्ड, बहुत ही ज़्यादा मुतासिर कुन होकर उसने फिर वो मुड़ी, उन्हें हरकत की, टुक बोथ हर हैंड्स, और उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले ली, यानी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई। ओह माई पुअर मेथल्डी, ओह मेरी प्यारी मेथल्डी, माइन वॉज एन इमिटेशन, मेरा जो था माइन वॉज एन इमिटेशन, मेरा जो था वो नकली था। इट वॉज वर्थ 500 francs एट मोस्ट, और जो मेरा जो हार था सिर्फ 500 francs के अंदर का ही था, यानी 500 francs का ही था। तुमने मुझे जो ला के दी वो 40,000 francs का ला के दिए, उसका बड़ा ताज्जुब हुआ। उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपके समझ में आ चुका हो।